हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल और हैप्पी संडे। आज संडे है और हम दोपहर में देखो क्या खा रहे हैं, वाटरमेलन। एक्चुअली क्या है ना, कल शिवरात्रि थी तो हमारा व्रत था, पूड़ी खा लिया, पूड़ी और भाजी बनाया था, मतलब मिक्स सब्जी, बहुत अच्छी लगी। और दबा के थोड़ा ज़्यादा खा लिया, हस्बैंड नहीं मैं, तो लंच ना कुछ करने का मन नहीं करता, तो राइस बनाया और सुबह की जो सब्जी थी ना उससे डुगू खा लिया और हम लोग वाटरमेलन खा रहे हैं। थोड़ा सा पेट को रेस्ट दे रहे हैं क्योंकि बहुत क्योंकि ये भगवान अभी पलट गए, क्योंकि हम लोग मतलब हम लोग यहाँ बहुत दिनों से कटहल ढूंढ रहे हैं पर अभी तक मिला नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कटहल मिल जाएगा तो आज क्या बनाएंगे, कटहल की सब्जी। तो इसीलिए सोचा थोड़ा सा लाइट खाते, कटहल हम दोनों को बहुत ही पसंद है और बालकनी में बैठे, धूप की उतनी जरूरत नहीं है, पर फिर भी हमने सोचा कि चलो भाई धूप में बैठ के आराम से इंजॉय कर। डुगू मामा को चश्मा ला दो ना बिट्टू, एनसी में बहुत सारे खाई हूँ ना, वाटरमेलन और ग्रेप्स, मतलब मेरे को लगता है मैं सबसे ज्यादा यही दोनों खाई थी, वाटरमेलन एंड ग्रेप्स। और ग्रेप्स तो गार्डन में जाके खाई थी, मजा आ गया था, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। अब मुझे है ना कि मैं एप्पल के गार्डन में जाऊँ, पता नहीं कब जाऊंगी। और मेरी बेबी रो रही है, दिखाती कितनी चल रहा है उनका, ये देखो, वाह देखो, अरे वाह बेबा। कम बेटा आइए, इधर आइए, आइए इधर आइए बेटा। फाइनली बेबी को सुला दिया, मैंने नहीं सुलाया, मैं फेल हो गई थी, पापा सुलाया है, के पास रहती नहीं है पर सोती पापा ही के साथ है, उसको राउंड चाहिए, अब उसका स्लीपिंग पार्टनर हूँ, राउंड चाहिए उसको, राउंड। बाहर जाना है कटहल लेने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को कोई बताया है कि कटहल आ जाने वाला, अगर वो नहीं लाया होगा तो बोले कि सर मैं तो ऐसे ही बोल दिया था, सारा प्लान खत्म। तो बेबी अभी सो गई लेकिन हम लोग जाएंगे। आज मैं मॉर्निंग में चाय नहीं पी पाई थी तो मैं चाय पीऊँगी सबसे पहले, क्योंकि चाय नहीं पीती हूँ तो मेरा दिन पूरा नहीं होता। हेलो, बिजी हो गई हूँ मैं, रेडी, कपड़े उपड़े चेंज कर लिए। हम कहाँ जा रहे हैं बताओ? हम जा रहे हैं कटहल की तलाश में। कटहल की तलाश में, एक साल ज्यादा कटहल खाया, एक साल से ज्यादा नहीं हुआ, एक साल हो गया, एक दो मैच में ना आते थे खा के। हम लोग सदारा में खाते, सदारा में बहुत ही फ्रिक्वेंट खाई थी वहाँ पर, मिल रहा था। और लेकिन जब से यहाँ आए यहाँ मिलता नहीं है, एक दो बारी दिखा भी है तो लिए नहीं और अब चाहते हैं तो मिल नहीं रहा है। तो डुगू यहाँ पे रेडी हो रहे हैं, उनके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। पता नहीं उनको आजकल बहुत ही टशन है, उनको कभी ब्लेजर का टशन आ जाता है तो आज सॉक्स का है, सॉक्स पहन के ही जाएंगे, बिना सॉक्स पहने नहीं जाएंगे। और बेबा को हम लोगों ने कटहल की वजह से नींद में उठा लिया, जितना ये ड्रेस चेंज करते नहीं उससे ज्यादा वो ड्रेस चेंज कर लेता है। हाँ सही बात है। तो प्लान है कि कटहल बनाएंगे और खाएंगे, कटहल की बिरयानी बनाएंगे, फर्स्ट टाइम बनानी है, देखते हैं बनाते कि नहीं, वरना कटहल की सब्जी बनाऊंगी, लेकिन कटहल मिलेगा तो, और अगर कटहल नहीं मिलेगा तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, उसको जाकर मारेंगे पहले तो, नहीं कटहल नहीं मिलेगा तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, फिर हम लोग बाहर खाएंगे, ठीक है? ओके, डन 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 डन। कैमरे पे सबूत के साथ डन कराती हूँ ताकि फेलियर का कोई चांस ना हो। लेट्स सी कटहल में, चलो आप लोगों को भी लेके चलते हैं, देखते कटहल मिलता है। पर्स वगैरह लेकर हो गई हूँ रेडी, चलते हैं, वो लोग दोनों जा चुके हैं, मेरी बारी है। दो बच्चों के साथ बाहर जाना ना बहुत मुश्किल है, 5 मिनट का भी काम हो ना, लेकिन रेडी करने में इन लोगों को आधा घंटा निकल जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभी जाना ही पड़ता है, समटाइम तो मैं अवॉइड कर देती हूँ। मार्केट गए, टमाटर लिया और कटहल लिया और फाइनली कटहल मिल गया। मैं आप लोगों को बता दूँ सब्जी लेना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे आता भी नहीं है, तो समटाइम क्या होता है ना कि मैं ये काम मैक्सिमम टाइम समटाइम क्या हस्बैंड ही करते, मैं नहीं करती। तो आ गए हैं हम घर, कपड़े वपड़े भी चेंज कर लिए हैं और मिशन सक्सेसफुल हुआ, कटहल मिल गया है तो ये अच्छी बात है। लेकिन कटहल की सब्जी मैं अच्छी नहीं बनाती हूँ, पर कोशिश करूँगी कि आज बनाऊँ, हस्बैंड बोले ना कटहल बिरयानी बनाओ कुछ भी, पर देखते हैं। मैं तो सोच रही हूँ कटहल की सब्जी बनाऊँ, लेकिन देखते हैं। और ये मैं ये चने दाल के वड़े लेकर आई थी, एक्चुअली क्या ना समोसे एक जगह की बहुत अच्छी बनती है तो वहाँ गर्मा गर्म समोसे थे, एक एक हमने खाए भी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों आज मज़ा नहीं आया तो मैं नहीं खाई, तो मैं अपने लिए ये लेकर, ये प्याज के पकौड़े हैं और ये दाल के, और उधर डुगू खा रहा है और चाय भी मैंने चढ़ा दी है, हस्बैंड नीचे गए हैं। एक्चुअली क्या ना डुगू ऊपर आते समय बोला कि मुझे गोद ले लो, तो वही से गोद में लेकर आने के चक्कर में कटहल का थैला नीचे ही छोड़ के आ गया है, तो वहाँ पे मेरी चाय बन रही है और हस्बैंड नीचे गए हैं, वो आ जाते हैं फिर चाय वगैरह पीते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं और बेबी सो गई, बाहर जब भी जाती है पता नहीं क्यों वो सो ही जाती है।
कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद सबसे पहले आराम से ये भजिए खाएंगे, चाय बनाएंगे और उसे पियेंगे, क्योंकि मॉर्निंग से चाय नहीं पीऊँ ना तो बहुत ही लो फील हो रहा है। चाय इज़ लाइक एनर्जी बूस्टर फॉर मी, बिकॉज विदाउट चाय मेरा दिन स्टार्ट नहीं होता। मैं कितनी भी अर्ली उठूँ या कितना भी लेट उठूँ, जब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ ना मुझे एनर्जी ही नहीं फील होता, और चाय पीने के बाद मैं बिल्कुल एनर्जाइज हो जाती हूँ। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है, मैं कितना भी चाह लूँ कि मैं इसे छोड़ दूँ लेकिन नहीं छोड़ सकती। सोचा हस्बैंड के साथ बैठ के चाय पीऊँगी, पर आप देख सकते हो कॉल 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 क्या कर सकते हैं, अकेले ही बैठ के मैंने पी लिया चाय। तो चाय वगैरह पी लिए हैं और हस्बैंड यहाँ पर बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, मतलब कितना बड़ा काम कर रहे हैं मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कितना काट दिए दिखाओ, प्लास्टिक में क्यों रखे हो, दिखाओ कितना काट दिए। वो तो ना एक बर्तन उसमें पानी डाल दो। तो पता है यहाँ पर कटहल को ना काट के नहीं देते हैं और ना ही हाफ देते हैं, बोलते हैं पूरा होल एंड सोल लेकर जाओ। तो मैं हस्बैंड के भरोसे ही लेकर आती हूँ क्योंकि वही कट करते हैं, मैं तो काट ना पाऊँ। कैसा प्लेट दो, थाली? वो तो पानी। लो तो हस्बैंड यहाँ पर लो डाल दो, इतनी मेहनत कर। ये ब्यूटीफुल सा शाम का नज़ारा, और यहाँ पर मेहनत करते हुए हमारे वीर जवान। और वो देखो ना बेबी को, देखो ना बेबी को, देखो ना आपके पीछे। सोई नहीं होने तो बहुत ही थकान सा लग रहा है यार। अभी आका नहीं आई हो तो डुगू को भेजी हूँ, नीचे ही है ना, केयर टेकर है तो नीचे गया है उनको लेने के लिए। शाम की आरती जैसे ही मैं करती हूँ ना, बेबी जहाँ भी रहती है वहाँ से वो खिसकते खिसकते एकदम मंदिर के ऑलमोस्ट पास आ जाती है और बहुत ही एक्साइटेड होती है। पता नहीं, शायद जलते हुए दीपक को देखकर उसे बहुत ही एक्साइटिंग कुछ लगता है, तो बहुत ही खुश हो जाती है, पूरे पैर हाथ जोर जोर से चलाने लगती है। फाइनली डिसाइड हुआ है कि बिरयानी बनेगी, तो राइस को यहाँ पर सोक कर दी। ये कटहल को भी पानी के अंदर डुबा दिया है, और अनियन कटहल की सब्जी आप बना रहे हो ना, बनाते शेफ बनाते। यहाँ पर सब तैयारियां चल रही हैं, इसकी मालिश कर दी है और इसकी दो चोटी बना दी है, ऑयली ऑयली इसीलिए लग रहा है मेरा बच्चा, है ना। पॉटी कर रही है आई थिंक, हाँ पॉटी कर रही है। तो मैं जा रही हूँ ना बेबी के लिए खिचड़ी चढ़ा देती हूँ, खाना चढ़ा देती हूँ, और फिर डुगू को भी पढ़ाना है, और उसके बाद आप लोगों के साथ कनेक्ट करती हूँ। फिलहाल हस्बैंड सब्जी बनाएंगे, मैं राइस बनाऊंगी, और फिर मैं उसको असेंबल करके बिरयानी बनाऊंगी, जुगाड़ू तरीके से बनाने वाली हूँ। नहीं हुआ है। तो सारी तैयारी हो गई है, कटहल वगैरह वॉश कर लिया, अनियन कट कर दिए, जितनी भी कटिंग चॉपिंग थी सब हो गया है, और वो हस्बैंड ने की है। हस्बैंड बोले थे कि वो कटहल की सब्जी बनाएंगे, और मुझे भी था कि वही बनाए, वो अच्छी बनाते हैं, लेकिन उनका कॉल आ गया तो क्या कर सकते हैं, मुझे ही बनाना पड़ा। सबसे पहले मैंने बेबी के लिए खाना बनाया, जिसमें मैंने दलिया, मूंग दाल और थोड़ा सा पीज़ ऐड करके खिचड़ी बना दी फटाफट से। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बेबी को कोई ना कोई वेजेस देती रहूं, तो कुछ ना कुछ मैं ऐड कर ही देती हूं। तो बेबी को सबसे पहले खिलाया, और राइस बना रही हूं क्योंकि बिरयानी बनानी है तो बिल्कुल प्रॉपर वाला बना रही हूं। तो सबसे पहले राइस खड़े मसाले सॉल्ट और ऑयल के साथ 80% कुक कर लेंगे, और इसे रिंस करके थोड़ा सा इसका टेम्परेचर हवा में रख देंगे ताकि ये ओवर कुक ना हो, ओवर कुक हो जाता है तो बिरयानी खिली खिली नहीं बनती है। अब आती है कटहल की सब्जी या कोरमा बोल सकते हो, तो मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में ना फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है ऐसा मुझे लगता है। कुकर में बना रही हूँ, कुकर में सब्जी ज़्यादा अच्छी बनती है। मस्टर्ड ऑयल या जीरे का तड़का लगाया, कुछ खड़े मसाले यूज़ किए लाइक लौंग, काली मिर्च, तेज़पत्ता, स्टार वगैरह तो यूज़ किए। फिर 5 बड़े साइज़ के अनियन थे उसे चॉप करके उसमें ऐड किया, 2 चम्मच अदरक लहसुन का कूटा हुआ पेस्ट डाला, थोड़ा सा नमक और पानी छींटे मार दिए ताकि अच्छे से कुक हो जाए। हस्बैंड बोलते हैं ना कि नमक डालने से थोड़ा जल्दी कुक हो जाता है, तो और उसके बाद कटहल भी ऐड कर दिया थोड़ा सा प्याज को भूनने के बाद, और इन सबको अच्छे से भुनेंगे। साइड बाई साइड मैंने अनियन भी डीप फ्राई कर लिया है क्योंकि जब हम बिरयानी को असेंबल करते हैं तो जो गार्निशिंग में और असेंबल करते समय फ्राइड अनियन यूज़ करते हैं वो भी कर रही हूँ। बिरयानी बनाने में ना बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, और बेबी अभी हस्बैंड के पास थी तो कभी भी वो जोर जोर से रोने लगती, इसलिए मैं फटाफट से दोनों साइड ही काम कर रही थी। यहाँ पर केसर दूध में थोड़ा सा मिक्स करके रख रही हूँ क्योंकि मैं इसे बिरयानी में यूज़ करने वाली हूँ, अच्छा लगता है। तो देखिए अनियन फ्राई हो गया है, यहाँ पर मसाले डालेंगे तो रेड चिल्ली का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, और थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किए हैं क्योंकि कटहल का ऐसा नेचर ही है ना, उसमें मसाले थोड़े से ज़्यादा जाते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि सूखे मसाले जले ना, और इसे भून लेंगे अच्छे से। जब ये मसाला अच्छे से भून जाएगा तो हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर इज़ टोटली ऑप्शनल, बहुत लोग कटहल की सब्ज़ी में नहीं डालते हैं पर मैं डालती हूँ।
तो यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ का एक टमाटर लिया था, उसे रफली चॉप करके ऐड कर देंगे और पानी नमक एडजस्ट करके विशल लगा लेंगे, 4 विशल अच्छी बन जाती है। और कितनी विशल लगानी है ये तो पता है सबके कुकर पे डिपेंड करता है। मैंने 4 विशल मारा था, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई थी, बहुत ज़्यादा रनी नहीं रखा था, थोड़ा थिक बनाया था क्योंकि बिरयानी में कोरमा थोड़ा सूखा सूखा ही अच्छा लगता है। तो सारी चीज़ें डन है, प्याज, केसर वाला दूध, कोरमा एंड राइस। तो चलिए अब इसको असेंबल करते हैं। तो इस बड़े वाले पतीले में मैं इसे असेंबल करूँगी क्योंकि इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी है ना, तो अच्छा रहता है इसमें बनाना। तो सबसे पहले हमने बेस में थोड़ा सा घी लगाया, उसके बाद हम हल्का सा राइस स्प्रिंकल कर देंगे, सबसे पहले हल्का सा बिल्कुल, ताकि अगर तलवे में लगे तो ये राइस जले। फिर कोरमा ऐड करेंगे, कटहल की सब्ज़ी चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे। और ये लेयरिंग स्टेप बाय स्टेप, आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं ये लेयरिंग बढ़ती जाएगी, मैं एक लेयर बता देती हूँ। फिर हम इसमें राइस ऐड मतलब डालेंगे और इसको कवर कर देंगे कोरमे को ऑलमोस्ट। और राइस पूरी तरह से अच्छे से डालने के बाद जो हमने अनियन को फ्राई करा था डीप फ्राई, उसे स्प्रिंकल कर देंगे। जो केसर वाला दूध है उसे डालेंगे और घी डालेंगे। इसमें कोरिएंडर लीफ भी डालना था पर मेरे पास नहीं था, और ग्रीन चिल्ली, मैं भूल गई थी सच में। बहुत सारे लोग इसमें बहुत तरह के एसेंस फूड कलर यूज़ करते हैं, पर मुझे ना फूड कलर या फिर बहुत सारा एसेंस बिरयानी में बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों पसंद नहीं है पर नहीं है। तो सारी चीज़ों को असेंबल कर लेंगे, लेयर कर लेंगे, इसके बाद फिर से राइस और फिर से सारी वही प्रोसेस को रिपीट करेंगे। जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं बस इस प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसे दम लगाना है, क्योंकि दम बिरयानी जो बन रही है। तो जुगाड़ू तरीके से तवे पे मैंने इसे दम लगाया, ऊपर पतीले में पानी रख के रख दिया था ताकि थोड़ा सा हैवी रहे और दम अच्छे से लग जाए। और 10 से 15 मिनट में ये खिली खिली बिरयानी बिल्कुल दम बिरयानी बन के रेडी है। बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा था और देखने में जितना अच्छा है ना वाकई टेस्ट में भी उतना ही अच्छा था। बोलते हैं लोग भी वेज वालों के लिए बिरयानी नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कटहल दम बिरयानी या फिर किसी भी हैवी सब्जी के साथ आप बिरयानी बना सकते हो। हस्बैंड का रिव्यू आप सुन लो, कैसा बनाया है, टेस्ट कर लिए, बताए नहीं कैसा बना है। यहाँ पर हमारा बिरयानी हो गया और बहुत ज्यादा खा लिया, और हस्बैंड फिर से एक बार बताएंगे कैसा लगा। पता है हम लोग बाहर गए थे ना तो हम लोग समोसे खाए, तो मैं हस्बैंड को बोली ना आप 2 समोसे खा लो, 1 समोसे खाए थे तो बोलते नहीं नहीं रात में मुझे कटहल बिरयानी खाना है, तो कटहल भी मिल गया। मतलब जैसा सोचा, तो आज का संडे जो था ना वो फुल ऑफ कुकिंग था। मतलब मॉर्निंग में तो मैंने नहीं दिखा था, मॉर्निंग में पूरी और सब्जी बनाई थी, काफ़ी यमी थी। तो शुरुआत क्योंकि कल हस्बैंड शिवरात्रि व्रत किए थे, फास्टिंग किए थे, तो मेरा मन था कि आज उनको कुछ अच्छा अच्छा खिलाऊं, क्योंकि वो शादी के इतने दिनों बाद भी उन्होंने कभी व्रत नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ अच्छा खिलाते हैं। तो सुबह में पूरी से उनका स्वागत की, पूरी उन्हें पसंद है, और फिर अभी कटहल बिरयानी। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी मैं कटहल बिरयानी बनाऊंगी, पर फर्स्ट टाइम मैं बनाई हूँ और बहुत अच्छी बनी थी सच में। मतलब हम वेजिटेरियंस के लिए बेस्ट रेसिपी है। मेरी बेबी रो रही है, अभी बेबी को एक मालिश करना है। इस वीडियो को भी यही खा लो, मैं भी खाता। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। और मेरी बेटी चॉकलेट के लिए रो रही है, मैं दिखा रही हूँ आप लोग।